हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो गाइस क्या हाल है आप सभी के, मैं होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे और बढ़िया रहना। सो आज की वीडियो जो है मेरी धनों पे होने वाला है और हम इसका क्या है एक और माइलेज टेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि पिछला जो माइलेज टेस्ट था वो मैंने सेप्टेम्बर के टाइम पर किया था और वो उस माइलेज टेस्ट को किए हुए हमें अभी तकरीबन एक साल हो गया, एक साल से थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना फिर से एक माइलेज टेस्ट करते हैं, यानी कि गाड़ी जो है तकरीबन 16,000 किलोमीटर चल चुकी है और 16,000 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी का क्या माइलेज रहता है वो देखेंगे हम आज। और मैंने सोचा कि यार चलो एक साल हो गया है तो क्यों ना इसका माइलेज टेस्ट भी किया जाए। और मतलब इतनी गाड़ी चली, अभी रेगुलर मैं चला रहा था इसे, तो देखता हूँ कि अभी क्या परफॉर्मेंस रहती है गाड़ी का। और जो मेरी पुरानी वीडियो है जिसमें मैंने माइलेज टेस्ट किया था उसका जो माइलेज टेस्ट आया था वो अराउंड 64 आया था। सो उसका लिंक जो है मैं अभी आई बटन में दे दूंगा। सो गाइस ये रही हमारी बॉटल, ये रहा पाइप, और अभी निकालते हैं, एक निंजा टेक्निक दिखाता हूं पेट्रोल निकालने की। इसमें पाइप डाल देंगे, ठीक पाइप डाल दिया मैंने, और अभी बॉटल का ढक्कन खोल लेते हैं भाई। पेट्रोल ये देख पास से दिखाइए। सो भाई इसमें ऐसे पाइप डालना है और इसे एकदम बंद करके फिर इसे दबाना है। अबे आ जा, ये वाली निंजा टेक्निक हमेशा काम करती है। ये देखो पेट्रोल आ रहा है इसमें से, अभी आने देते हैं चैन से इसको पेट्रोल को। सो गाइस जब तक पेट्रोल आ रहा है अपना, तब तक वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबा देना। ये रहा हमारा 1 लीटर पेट्रोल और यही वाली बोतल जो है हम हर वीडियो में यूज़ करते हैं। सो अभी पेट्रोल ले लिया है और अभी पेट्रोल थोड़ा बहुत बचा होगा गाड़ी में, सो वो वाला पेट्रोल ख़त्म करते हैं और उसके बाद ये पेट्रोल डालेंगे मीटर को। मीटर इसमें डिजिटल नहीं है, सबसे बड़ी ये कमी है। सो डिजिटल मीटर ना होने के कारण पहिया आगे वाला घुमा के जीरो करेंगे और उसके बाद माइलेज टेस्ट की वीडियो जो है स्टार्ट होगी। सो गाइस फाइनली आ गए अपनी स्कूटी पे और अभी देखते हैं कि इसका जो थोड़ा बहुत पेट्रोल जो बचा है कितने देर में ख़त्म होता है। सो जैसे वो पेट्रोल ख़त्म होगा तो हम ये वाला जो पेट्रोल है 1 लीटर वो इसमें डालेंगे और उसके बाद हमारा एक्चुअल माइलेज का जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगी। सो गाइस पेट्रोल जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो गया अपनी स्कूटी का, अभी देखो स्टार्ट करते हैं। हो रही है क्या? नहीं हो रही, ख़त्म है ना पेट्रोल बिल्कुल भी? पूरा ख़त्म। बता तेरे हिसाब से कितना, पिछले बार 64 दिया था, 9,000 किलोमीटर चली हुई थी, इस बार देख 16,000 किलोमीटर के करीब चली है। 60-61 मेरे ख्याल से भी इतना ही देगी, मेरे को भी 62 से ज़्यादा नहीं लग रहा, 62-63 या क्या पता, देखते हैं। सो गाइस अभी देखते हैं कि क्या माइलेज देती है, हालांकि अभी इसमें पेट्रोल डालते हैं। आप भी कमेंट करके बताना कितना हो सकता है। हाँ गाइस आप लोग भी कमेंट करके बताना कि अपनी स्कूटी का जो है कितना माइलेज आएगा, आराम से डालना, धीरे से धीरे आराम से बस। सो गाइस ये देखो 1 लीटर पेट्रोल डाल रहा है, जब तक ये पेट्रोल डाल रहा है तब तक आप लोग भाई वीडियो को लाइक करो और देखते हैं भाई कितना माइलेज आता है, आप लोग भी अपना गैस करना। और अभी देखते हैं कि क्या माइलेज टेस्ट आता है, हमारा वीडियो का जो मोटो है वही है। तो इसमें डिजिटल मीटर नहीं है, एक ये थोड़ी कमी है, तो अभी 15,943 किलोमीटर चला हुआ है और 900 मीटर है, तो इसको जीरो कर देंगे। आशीष आगे वाला पहिया घुमा। सो मीटर देखो 15,944 किलोमीटर हो गया है और जीरो है 100 मीटर्स में। सो अभी देखते हैं क्या माइलेज टेस्ट देती है गाड़ी को। चलो गाइस देखते हैं स्टार्ट होती है कि नहीं। ओहो बढ़िया, एक झटके में स्टार्ट हो गई। सो अभी हमारी यात्रा जो है स्टार्ट हो गई है और देखते हैं क्या ही माइलेज टेस्ट देती है गाड़ी। गाइस अभी क्या है कि हम लोग मतलब हाईवे पे जस्ट एंटर किए हैं और
मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को 20-20 किलोमीटर के गैप्स पे बताते रहूं कि अभी गाड़ी ने कितना किलोमीटर कवर कर लिया है, जिसमें क्या है कि वीडियो भी काफ़ी शॉर्ट रहेगी और आप लोगों का भी जो टाइम जो है बचेगा। 50 किलोमीटर तक तो कुछ भी पता नहीं चलता गाइस। तो अभी क्या है कि अभी चल रहे हैं हाईवे पे, बहुत ही लंबा प्रोसेस है भाई। सो गाइस फाइनली क्या है कि हमने 20 किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं और काफ़ी इजीली 20 किलोमीटर कवर कर लिया। हालांकि अभी धूप जो है बहुत ज़्यादा पड़ रही है, 1:30 बजे के करीब हम लोग निकले वीडियो शूट करने। सो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। सो 20 किलोमीटर हमने बहुत ही आसानी से कवर कर लिया, अभी आगे कवर होते रहेगी। गाइस बहुत देर से हम लोग चल रहे थे और फाइनली अभी हम लोग मतलब 40 किलोमीटर के अराउंड पहुंच गए हैं। हम दोनों ने ये 62 के अराउंड अपना एजम्पशन दिया था, यानी कि 62 के अराउंड माइलेज देगी गाड़ी, और मतलब अभी तक तो बिल्कुल ही सही चल रही है, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आ रही। तो हमने अभी क्या था कि यू टर्न ले लिया था और अभी घर की तरफ वापस जा रहे हैं। और अभी जो हमारी गाड़ी के जो किलोमीटर्स है टोटल 50 किलोमीटर आसानी से कवर कर लिया बहुत ही बढ़िया से। सो मुश्किल से अब 10-12 किलोमीटर चलेगी गाड़ी और बंद पड़ जाएगी। और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग गया यार, मतलब 40 के स्पीड पे जब आप इकोनॉमी स्पीड पे गाड़ी को चलाते हो तो क्या होता है उस टाइम पे मतलब स्पीड जो है मतलब टाइम जो है बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है और टाइम जो है काफ़ी बर्बाद होता है। तो गाइस हम लोगों ने 60 किलोमीटर बहुत ही आसानी से कवर कर लिए और उसी के साथ ही 16,000 किलोमीटर्स भी कवर हो गए हमारी स्कूटी पे, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। और अभी देखते हैं कि कितना किलोमीटर और चलती है गाड़ी, क्योंकि आशीष ने बोला था कि 62 चलेगी, मैंने भी 62 के करीब ही एज्यूम किया था। अभी देखते हैं, अभी फैसले की घड़ी है और कैमरा मैंने तब से ऑन रखा हुआ है कि किसी भी टाइम बंद हो सकती है। अब बंद हो जाएगी देखियो। लेकिन भाई हद है, इतना कैसे चली है यार, बहुत ज्यादा ही चल गई पिछले बार से, तो बहुत ज्यादा है। अब आ रही है, मिसिंग मार रही है, देख हो गई बंद। सो गाइस फाइनली अब जाके बंद हुई है। भाई साहब बहुत ज्यादा चली है गाड़ी, बहुत ज्यादा, इतना तो पता नहीं, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना चलेगी गाड़ी। और उधर रुक जा, पहले लगा इसको डबल स्टैंड पे। अभी पेट्रोल खत्म हुआ है। सो गाइस अभी जाके इसका पेट्रोल खत्म हुआ है, एक बार मैं आप लोगों को मीटर वगैरह दिखाता हूँ। सो गाइस अब जाके फाइनली इसका पेट्रोल खत्म हुआ है और आप लोगों को मैं एक बार दिखाता हूँ, बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट्स आए हैं। हालांकि अभी देखते हैं स्टार्ट करके कि इसका पेट्रोल खत्म हुआ या नहीं। सो अभी चाबी ऑन कर रहा है, करियो स्टार्ट आशीष। सो अभी आशीष से स्टार्ट करके देखिएगा, कर कर, वो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का होगा, कर बंद हो जाएगी, हो गई बंद। तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बूंद भर पेट्रोल रहा होगा कार्बोरेटर में, सो वो भी जल रहा है। अब बस सेल्फ खराब करेगा, किक से करके देख। हमने स्टार्ट किया था 15,940 किलोमीटर पे और अभी जो मीटर है वो दिखा रहा है 16,010 किलोमीटर, यानी कि कैलकुलेशन करने के बाद हमारा टोटल किलोमीटर आता है 70 किलोमीटर। भाई 70 किलोमीटर गाड़ी चली है, क्योंकि पता नहीं क्या रीज़न है, क्योंकि हालांकि ये तो माइलेज टेस्ट है, इसमें क्या है कि हम हाईवे पे नापे हम लोगों ने, तो हाईवे पे क्या है गाड़ी हमेशा प्रॉपर माइलेज देती है, एकदम सही माइलेज देती है। लेकिन आप जब एक्चुअल में माइलेज चेक करोगे सिटीज़ वगैरह में या फिर लोकल में, तो माइलेज जो है 20-25 किलोमीटर नीचे आ जाता है, जिसके कारण 40-50 आता है माइलेज। और ये वीडियो मतलब बस मैं चेक कर रहा था कि कैपेसिटी कितना तक है माइलेज देने की। पिछले बार 64 दिया था और उससे 6 किलोमीटर इसने इस बार ज़्यादा दिया है। अब पता नहीं क्यों, मेंटेनेंस के कारण या फिर कोई और रीजंस भी हो सकते हैं, लेकिन जैसा भी है बढ़िया परफॉर्म किया और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही। तो गाइस वीडियो को शॉर्ट करते हैं, होप करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगा। सो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन जरूर दबाना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।